तेरे दर पे सवाली इनके द्वार बोली भर देते सरकार शिरडी जाओ रे भ्रष्टाचार मेरे देखा जाए सीपरी बाजार के अंदर धूमधाम से गोंदू कंपाउंड के अंदर धूमधाम से हर साल की भांति 38वां आज सिरडी के साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। इसी तरीके देख सकते हो भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, देख सकते हो पूरे सिरडी बाबा के साईं बाबा के भक्त में लीन है। अभी अभी इन लोगों ने पालकी का शुरुआत करने जा रहे हैं और शोभा यात्रा पूरे गोंदू कंपाउंड के अंदर एक लेकर जाएंगे, एक मिसाल पैदा करेंगे इस गली की, इस मोहल्ले की, इस गोंदू कंपाउंड की, जिस तरीके से एक अच्छा मैसेज। हमारे बीच में कार्यकर्ता और जो शुभचिंतक लोग मौजूद है, आज कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, किस तरीके से आप लोग इतना सजा रहे हो और क्या मैसेज है? एक्चुअली हम लोगों ने बाबा की स्थापना दशहरा में ही करवाई थी, तो इस वजह से हम लोग बाबा का जन्म दिवस मनाते हैं अभी, तो वो हर साल की भांति इस बार भी मन रहा है। इस बार 38वां है, हम पहले पालकी निकालेंगे फिर बाद में आकर भंडारा होगा, विशाल भंडारा होगा जी। तो आज कितने श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं, आसपास के भी आए, अनेकों लोग आए, क्या कहना है आज? समस्त झांसी के आमंत्रित हैं। अब जो बाबा का श्रद्धा रखता है, जो भी बाबा के प्रति, वो समझ साई भक्त शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे जी। आपका क्या कहना है आज, आप लोग पूरे रंगे हुए हो? हाँ, अभी तक मेरा फर्स्ट टाइम है, हमने 2-3 साल से कोरोना की वजह से देखा नहीं है, हमें हमारी अभी मैरिज हुई है, तो अभी हमारा फर्स्ट टाइम है। हम लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं आज के दिन। हमारे बीच में और भी लोग हैं, अजय बताइए इस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना है आपको और कितनी आपको खुशी हो रही है? मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ सिरडी के साईं बाबा की। ये पालकी यात्रा है जो कि गोंदू कंपाउंड से स्टार्ट होके और पूरे सीपरी बाजार में इसका ब्राह्मण होगा और यहाँ इतने भक्तगण हैं और वर्तमान में हमारे पार्षद जी भी आ चुके हैं और ये जो भक्तगण हैं ये सब लोग इसका आनंद लेंगे। हाँ, भी जानते हैं पार्षद जी क्या कहना है आज आपके वार्ड के अंदर, चार चांद लग गए, क्या कहना है? अब लेट हो गए आप, तो राम में लगे हैं सब, और क्या आपका क्या कहना है? इतनी खुशी की बात है सिरडी के साईं बाबा की पालकी पूरे आपके हर साल की तरह इस बार भी गोंदू कंपाउंड से लेके पूरे सीपी तक यात्रा करते हैं, पूरे रायगंज होते हुए वापस आते हैं। आपका कितना क्या सहयोग है इस कार्यक्रम में, इस शोभा यात्रा? सहयोग तो ये पूरा मोहल्ला घर का है, पूरा परिवार हमारा है, तो सहयोग का पूरा परिवार हमारा है, जैसा परिवार कराएगा वैसा करेंगे। बहुत बढ़िया। शर्मा जी क्या कहना है आपका परिवार में और आपका मंदिर? मेरा वो मत भैया हमारे बीच में और जय शर्मा, नो मोर कमेंट्स, नहीं बोलना है। क्या नाम है आपका सर? जी सर, पापा की पालकी का आनंद लेने आया सर मैं। जी सर जी, हमारे बीच में और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? वर्षा यादव। वर्षा यादव, बताओ आज पालकी में शामिल कितने खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। कैमरा मैन संवाददाता 2 झांसी।